बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। गौरांग, बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जो आईपीओ का इंतजार करते हैं लेकिन आईपीओ पैसे लगाते नहीं है, वो ना सेकेंडरी मार्केट का वेट करते हैं कि अच्छा एक बार लिस्टिंग हो जाए तो रिव्यू करेंगे उसके बाद अब सोचेंगे। इरेडा क्या मौका छूट गया क्या, या फिर अगर हम ग्रोथ को कंसिडर करें तो यहाँ से भी पोटेंशियल है अगर अगर कंपनी में तो पैसे लगा दें अभी? धन्यवाद अभिषेक आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये बाजार में सिर्फ आईपीओ को लेकर के नहीं अभिषेक, किसी भी क्षेत्र में अच्छी कंपनी में निवेश की अगर आप बात करते हैं और अगर आप यही सोचते जाते हैं कि मौका छूट गया तो आप निवेश के तरफ कदम कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कदम बढ़ाइए, निवेश कीजिए, अच्छी कंपनी में कीजिए तो अच्छी कंपनी आपको मुनाफा कमा के देगी, ना कि आपके रुपए लेकर के जाएगी। तो ये जो बात है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे हम कहते हैं अभिषेक, वो शेयर बाजार में कभी लाना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आईपीओ के माध्यम के द्वारा कंपनियां एक मौका देती है निवेशकों को अपनी कंपनी में हिस्सा लेने के लिए, भागीदारी लेने के लिए और लंबी अवधि में निवेश बनाकर। अब अगर आपके समझ में आता है और अगर आप निवेश करते हैं तो और आपको आईपीओ में शेयर्स मिलते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। और अच्छे आईपीओ, अच्छे कारोबार को लेकर के, अच्छी मैनेजमेंट को लेकर के, बहुत ही जरूरी और मुख्य बात यह है अभिषेक, मूल्यांकन। जिस प्रकार से अभी आप हम इरेडा की बात कर रहे हैं तो अगर बाजार को या निवेशकों को कुछ दे के जाते हैं आप टेबल पर, तो दोनों हाथों से मेरे ख्याल से निवेशक इसको समेटेंगे। और अगर आप महंगा आईपीओ लेके आएंगे, उदाहरण के तौर पर अभी कुछ समय पहले मामा अर्थ होनोसा का आईपीओ आया था, महंगा था, नीचे का सर्किट लगा 10% का और फिर ऊपर की तरफ। तो ये जो साम दाम दंड भेद की बात है ना अभिषेक, ये मूल्यांकन पर निर्भर करता है। अच्छा मूल्यांकन होगा उतना ही गणना सब्सक्रिप्शन आएगा और उसी मात्रा में आपको शेयर मिलेंगे। तो अब देखिए, और लिस्टिंग के दिन में कभी भी ये राय नहीं दूंगा कि आप अच्छी लिस्टिंग होती है अच्छे प्रीमियम पर तो जाकर के, थोड़ा ये जो उत्साह है उसको नीचे बैठने दीजिए, धूल को थोड़ी दूर हटने दीजिए और फिर आप मन बनाइए कि आपको निवेश कर, बशर्ते कि आपका लंबी अवधि का नजरिया हो। इस कंपनी के ऊपर एज अ डिस्क्लोजर, आईपीओ नोट द्वारा हमने निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से लिस्ट हुआ है उत्साह अपने आप में दर्शाता है। इत करेंगे कि आपको मतलब लिस्टिंग के बाद से बधाइयों वाले मैसेज मिल रहे होंगे और आपको थैंक यू बोलने वालों की तादाद लंबी होगी। वैसे बिल्कुल सही बात है, वैल्यूएशन इज द की, भाव भगवान छे पुरानी कहावत है और जो इसको फॉलो करते हैं बाजार में पैसे वो बनाते हैं। और ये थियरी आईपीओ मार्केट पर भी लागू होती है। अगर वैल्यूएशन ठीक है, कंपनी ने वाजिब कीमत लगाई है, आपके लिए टेबल पर कुछ छोड़ा है, तो निश्चित तौर पर आपको लिस्टिंग पर प्रॉफिट तो होगा ही। और अगर कंपनी मजबूत है, सॉलिड है, तो फिर आगे भी मौके बनेंगे। ये थियरी बाजार में हमेशा काम करती है।